बहुत सारे लर्नर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मूड क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और कैसे समझे कि एक वर्ब में कौन सा मूड है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। मूड यानी मिजाज जो किसी वर्ब में पाया जाता है, यानी आज तक आप बहुत सारे वर्ब्स का इस्तेमाल किए हैं तो उन वर्ब्स में अलग अलग मूड पाया जाता है। यानी किसी वर्ब में रिक्वेस्ट का मूड पाया जाता है तो किसी में ऑर्डर, किसी में होप तो किसी में विश, किसी में फैक्ट और किसी में अनरियल फैक्ट का मिजाज पाया जाता है या मूड होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, तो यहाँ आपके सेंटेंस में आया वर्ब जो है स्टैंड, इसमें ऑर्डर का मूड है यानी इसमें ऑर्डर का मिजाज है। अगर मैं कहूँ गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ आपके सेंटेंस में आया वर्ब के अंदर विश का मूड है यानी मैंने किसी के लिए विश किया। अगर लिखा हो आई विश आई वर अ बर्ड, तो इस सेंटेंस में आए वर्ब के अंदर अनरियल फैक्ट की बात की जा रही है यानी एक इमेजिनेशन की बात की जा रही है यानी कल्पना की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ हैव यू टेकन योर लंच, तो यहाँ आपके सेंटेंस में आए वर्ब के अंदर क्वेश्चन वाला मिजाज है क्योंकि यहाँ सवाल पूछने का काम किया गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि जो हम एक्शन वर्ड बोलते हैं यानी जो हम वर्ब्स बोलते हैं उनके अंदर अलग अलग मिजाज होती है या उनके अंदर अलग अलग मूड होता है। मूड तीन तरह के होते हैं, पहला इंडिकेटिव मूड, दूसरा इंपरेटिव मूड, तीसरा सब्जंक्टिव मूड। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक मूड के बारे में सीखेंगे यानी हम इंडिकेटिव मूड के बारे में सीखेंगे, बाकी के दो मूड हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इंडिकेटिव मूड में हम फैक्ट, क्वेश्चन और सपोजिशन अज्यूम्ड एज अ फैक्ट की बात करते हैं। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। इंडिकेटिव मूड में हम फैक्ट, क्वेश्चन और सपोजिशन अज्यूम्ड एज अ फैक्ट की बात करते हैं। जैसा कि मेरा पहला एग्जांपल है आई टीच इंग्लिश, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है यानी यहाँ आपके सेंटेंस में आया वर्ब जो है टीच, इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट है यानी एक सिंपल फैक्ट है जिससे ये पता चल रहा है कि मैं किसी काम को करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली, इस सेंटेंस में भी एक सिंपल फैक्ट की बात की गई यानी एक स्टेटमेंट है जहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई काम लगातार होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस के वर्ब इंडिकेटिव मूड में हैं, जो एक सिंपल फैक्ट या स्टेटमेंट को बता रहे हैं। हैव यू टेकन योर लंच, यहाँ आपके सेंटेंस में आया वर्ब एक इंडिकेटिव मूड में है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया यानी इस वर्ब का मिजाज है कि इससे सवाल पूछा गया। हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, ये सेंटेंस इंडिकेटिव मूड में है जहाँ कोई सवाल पूछा गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिकेटिव मूड में किसी फैक्ट की बात की जाती है यानी सिंपल स्टेटमेंट और क्वेश्चन की भी बात की जाती है यानी वर्ब्स के अंदर सवाल पूछने का मिजाज पाया जाता है। आइए अब आखिर में देखें सपोजिशन अज्यूम्ड एज अ फैक्ट। सपोजिशन अज्यूम्ड एज अ फैक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसी कल्पना या कोई ऐसा सपोज जो फैक्ट हो सकता है यानी उसे सच होने के चांसेस होते हैं। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कॉलेज, अगर बारिश हुई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंस में अज्यूम्ड का सेंस है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा नहीं करूंगा, यानी अगर बारिश हुई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। सेंटेंस को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं ये काम नहीं करूंगा, यानी यहाँ किसी काम के होने का चांसेस है। तो यहाँ आपके सेंटेंस में आया वर्ब इंडिकेटिव मूड में है यानी सपोजिशन अज्यूम्ड एज अ फैक्ट है जिसमें कोई बात अज्यूम्ड की गई और जो फैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, यानी अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इस सेंटेंस में सपोजिशन अम्यूज्ड है लेकिन फैक्ट नहीं है क्योंकि सेंटेंस पढ़ने पर पता चला कि ना मैं एक चिड़िया हूँ और ना मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। तो ये सेंटेंस इंडिकेटिव मूड का नहीं है, ये सेंटेंस सब्जंक्टिव मूड का है जो हम आने वाले दिन में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा कि इंडिकेटिव मूड क्या है। जल्द मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इंपेरेटिव मूड क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।